हमको थोड़े होगा, हम तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए, 2 फीट के दूरी पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम निकलेंगे। आई जो कमा उमा के सब रखे हुए हैं ना, अपने बच्चा के लिए रखे हुए हैं। आप तक ये मैं बीमारी रह जाती तो बहुत बढ़िया था। आप निकल रहे हैं तो आप पता है आपके घर में 5 मेंबर है, 3 लड़का है, जो लोग भी है ना, सबका जिंदगी आप खतरे में लेके बाहर ही निकल रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से सुबह सवेरे मैं आप लोग के सामने हाजिर हो गया हूँ, और हाजिर होने के लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि कल का न्यूज़ है कि पूरे भोजपुर में 7 केसेस मिले हुए हैं। अभी तक जो जो भी डिटेल आया है उसमें आरा से 3 पेशेंट कल मिले हुए हैं, गोसगंज में 2 पेशेंट है और नाला रोड में 1 है, बिया के वार्ड नंबर 6 में 1 पेशेंट है, और भोजपुर में 3 पेशेंट मिले हुए हैं। तो टोटल मिला के हो जाता है संख्या 7। और इससे पहले भलुहीपुर में 1 पेशेंट और रामपुर में 1 पेशेंट, तो टोटल 9 भोजपुर में संख्या हो गई है। भलुहीपुर का केस आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ भलुहीपुर एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है, इस पूरे एरिया को, और साथ के साथ गोला गोला जो हमारा सब्जी मार्केट हुआ करता था आरा में, उसको आप देखेंगे कि उसको भी सैनिटाइज किया गया है। वहाँ से अब मार्केट को हटा दिया गया है, रमला मैदान में अब मार्केट को लगाया जा रहा है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने का नतीजा है, तो आने वाले दिनों में देखिए भोजपुर के लिए क्या क्या परिस्थितियां नई पैदा हो रही हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एक भाई ने कमेंट किया था मेरे वीडियो में कि आरा जिला घर बात कौन बात के डर बा। भाई भ्रम में मत रहो, आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा, अभी पुराना हो गई, अब आरा जिला घर बा तो कोरोना के डर बा, कोरोना से तरह डराए के पड़ी, आ ना डरेब तो फिर कोरोना अभी बन गई बा सचिन तेंदुलकर। तो जहाँ लूज बॉल मिलल, जहाँ फुल टॉस मिलल, वही जाओ छक्का मार दे बता। सरकार से पूछने के लिए हमारे पास 1000 सवाल हैं। हम शाम में जब आजकल मैं देख रहा हूँ शाम में चौक चौराहे पे जो लोग निकलते हैं, तो उनके पास 10 सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिस पे वो सरकार पे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश और समाज के लिए कुछ करें? मतलब अब सरकार क्या करे? एक एक पुलिस वाला एक एक घर पे लगा दे ताकि वो ये निगरानी करे कि कोई घर से बाहर नहीं निकले। आपको पता है जब कि बिहार में ऐसा कंडीशन है, यहाँ स्थिति नहीं है, ऐसा यहाँ पे सरकार नहीं संभाल पाएगी। महाराज अब जब रास्ते में जाते हैं और लगता है कि अगला रास्ता जाम है तो आप गाड़ी टर्न कर लेते हैं, रोड खराब है तो दूसरा रोड ले लेते हैं। तो ऐसा ही कीजिए ना, अब स्थिति खराब है तो घर में रहिए, इतना तो हो नहीं पा रहा है आपसे। तो दूसरी बात कि ठीक है, जब सरकार में इतनी सारी खामियां हैं तो फिर हमें अपने से सतर्क रहना चाहिए, हमें अपने आप को घर में रखना चाहिए, सरकार जो बता रही है वो करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो जो रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, वो सब बिहार सरकार में ऑलरेडी हो चुका है, पैरासीटामोल की तरह है, हम निकलेंगे एगो पैरासीटामोल खरीद लेंगे, उसके बाद तो मतलब कोरोना छू मंतर। हमको क्या डर है? फिर से कहेंगे अगर इससे बचना है तो आपको डरना पड़ेगा। ये जो रोड पे निकल रहे हैं ना, तो ऐसा सोच रहे हैं कि हमको थोड़े होगा, हम तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए, 2 फीट के दूरी पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम निकलेंगे। दिमाग लगाइए, कहीं से भी आ सकता है, तो संभालिए, अपने आप को समझाइए, घर में जाके लॉकडाउन में रहिए, लैकन फिकन के साथ खेलिए, जिंदगी का मजाक मत बनाइए, बड़े किस्मत से मिलती है। आई जो कमा उमा के सब रखे हुए हैं ना, अपने बच्चा के लिए रखे हुए हैं। आप तक ये मैं बीमारी रह जाती तो बहुत बढ़िया था। आप निकल रहे हैं तो आप पता है आपके घर में 5 मेंबर है, 3 लड़का है, जो लोग भी है ना, सबका जिंदगी आप खतरे में लेके बाहर ही निकल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सेवा नहीं कर रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए खुद खतरनाक हो रहे हैं, आप अपने परिवार को मारने का व्यवस्था कर रहे हैं। अब फिर मत कहिएगा कि सरकार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। अब मन नहीं लग रहा है तो मेरा चैनल, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मन लगेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।